Assalamualaikum. I hope आप सब खैरियत से होंगे. Welcome to an other class, chapter number 4, structure of molecules. Today we are going to study the types of chemical bond in which we will study about ionic bond. So, what kind of electrons take part in the formation of chemical bond? So, the valence electron which are involved in the chemical bonding, they are termed as bonding electrons. लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, दे आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड. सो वी कॉल दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद एन अदर टर्म बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. ये यूजुअली ऐसे शेल्स में प्रेजेंट होंगे जो कि इनकम्प्लीट होंगे या पार्शली फिल्ड होंगे, यानी कि आउटरमोस्ट शेल्स. डिपेंडिंग अपॉन द वे हाउ दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग, दे रिजल्ट इन द फॉलोइंग फोर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड. इस बात पे डिपेंड करते हुए कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपस में किस तरह से कंबाइन करेंगे और किस तरह से इन्वॉल्व होंगे, वी हैव फोर डिफरेंट टाइप्स. द फर्स्ट वन इज आयनिक बॉन्ड, सेकेंड इज कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड. वी विल स्टडी ईच ऑफ दीज इन डिटेल इन आर नेक्स्ट लेक्चर्स. सो द फर्स्ट वन इज आयनिक बॉन्ड. इन योर फर्स्ट चैप्टर यू हैव स्टडीड इन डिटेल व्हाट आर आयंस एंड यू सेड अबाउट ions that they are any species that have a charge. Koi bhi species or atom or group of atom that carry a charge is ion. It can be positive charge which is formed by losing electrons, and it can be negative charge which is formed by accepting electrons. The positively charged species, they are called as metals, and the negatively charged species, they are called as non-metals. Periodic table में वो elements जो negatively charged species बनाते हैं, we call them non-metals, और जो positively charged species बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं metals. जैसे के sodium. Sodium loses electron and form a positive ion, so it is a metal. Similarly, potassium loses an electron and forms a positive ion, so it is a metal. On the other hand, the elements which accept electrons, such as oxygen, which accepts two electrons and forms a di-negative ion, we call oxygen a non-metal. इसी तरह से वी हैव फ्लोरीन विच एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ नेगेटिव चार्ज आयन, अ नॉन मेटल. सो जितने भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हैं उन्हें हम कहेंगे मेटल्स, और जितनी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं उन्हें हम कहेंगे नॉन मेटल्स. नाउ व्हेन द मेटल्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज combined with non-metals which are negatively charged, and how do they combine? By transferring electrons. Electron transfer होगा, positive ion ने जो electron lose किया है वो ये negative ion अपनी तरफ accept करेगा, so we will form a electrostatic bond which is called as ionic bond. So the complete transfer of electron from one atom to the other atom, we call this transfer a bond which is ionic bond. जब ये transfer मुकम्मल हो जाएगा तो दोनों oppositely charged species के दरमियान एक attraction develop होगी, and we will call this attraction ionic bond. So before going toward that, we have an important short question to address, which is why group 1 elements prefer to combine with group 17 elements. ये आपके test yourself का एक short question भी है. So it is कि जो ग्रुप वन एंड ग्रुप टू के मेंबर्स हैं, दे आर मेटल्स, यानी कि दे विल फॉर्म पॉजिटिव आयंस. दे हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस, जबकि ग्रुप 15 से 17 के जितने भी मेंबर्स हैं, दे आर ऑल नॉन मेटल्स एंड दे हैव टेंडेंसी टू गेन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, दे फॉर्म नेगेटिव आयंस. तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज है वो ऐसे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करेंगे जो कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, तो आपस में जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट करेंगे, अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड दैट केमिकल बॉन्ड विल बी आयनिक बॉन्ड.
So here we have its definition, which is the type of chemical bond which is formed due to complete transfer of electron from one atom to another atom. एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा एटम उस एक इलेक्ट्रॉन को या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा. वी विल कॉल दिस बॉन्ड, ये जो अट्रैक्शन डिवेलप हुई इसे हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड. वी हैव सोडियम, इट्स एटॉमिक नंबर 11 एंड क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17. अगर हम लोग इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें, इट बिकम्स समथिंग लाइक दिस. On the other hand, for chlorine, we have this. तो अगर हम देखें, इसका third shell है, जिसके अंदर just एक ही electron है. जबकि अगर हम chlorine को check करें, तो it have 7 electrons in the last shell. और previous lecture में हमने discuss किया था कि atoms कोशिश करते हैं, वो अपना last shell के electrons को lose करके, gain करके या share करके noble gas के जैसी electronic configuration attain कर ले. तो सोडियम के पास चूंकि 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं इन देयर लास्ट शेल, इट हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट विल लूज दिस 1 इलेक्ट्रॉन. जबकि क्लोरीन के पास 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में, जो कि 7 हैं, सो इट विल एक्सेप्ट दिस 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ नेगेटिव आयन. हियर वी कैन सी, सो सोडियम हैव 1 इलेक्ट्रॉन. ये आसपास से एनर्जी अब्सॉर्ब करके अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को ट्रांसफर करेगा. बिकॉज ऑफ दैट रीजन द ऑपोजिटली चार्ज्ड विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड दे विल फॉर्म अ आयनिक बॉन्ड. यू कैन क्लियरली सी हियर हाउ एन इलेक्ट्रॉन इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू क्लोरीन. पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंबाइन टूगेदर एंड दे बिकम न्यूट्रल, दे बिकम स्टेबल. सो सोडियम इट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी कि एक मेटल है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा. जबकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि नॉन मेटल, इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. तो सोडियम ने जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सेम कैसी हो गई, नियॉन के जैसी. इसी तरीके से क्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सेम टू सेम आर्गॉन के जैसी हो गई. दोनों की दोनों नोबल गैसेस हैं, नियॉन भी एक नोबल गैस, आर्गॉन भी एक नोबल गैस. सो अब चूंकि ये स्टेबल हो गए, तो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बॉन्ड बनाएंगे. सो बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट शेल, सोडियम बिकम अ पॉजिटिव आयन. अब इसके लास्ट शेल में, लेट्स सी इट्स डायग्राम टू. सोडियम द फर्स्ट शेल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, द सेकंड शेल हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड द लास्ट शेल हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. जब ये अपने लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, लूज करने के बाद अब इसका ये शेल खत्म हो गया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बाकी बचे. We have these 8 electrons, यानी कि ये जो second shell है, अब ये इसका last shell बन गया, तो अब इसकी चूंकि 8 electrons पूरे हो गए, so now it has completed its octet rule. और अगर हम chlorine की बात करें, तो chlorine के पास last shell में 7 electrons हैं, तो ये जब sodium की तरफ से आने वाले एक electron को accept करेगा, now it have 8 electrons complete. तो अब ये भी स्टेबल हो गया. नाउ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड दे स्टेबलाइज देमसेल्फ. लेकिन इस बात का आपने इसमें भी ख्याल रखा, जो चूंकि हमने फर्स्ट में एक डेफिनेशन पढ़ी थी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की, उसमें हमने यही कहा कि सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. तो सेम ऐसा ही हुआ आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में भी, कि जस्ट लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स नहीं पार्टिसिपेट किया, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने किसी किस्म का कोई काम नहीं किया. सो द ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड. तो ऐसा केमिकल बॉन्ड, इसमें यूजुअली हीट इज गिवन आउट एंड द कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म ड्यू टू दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग, कि ये जो NaCl एक कंपाउंड बना है आयनिक बॉन्ड बनने की वजह से, हम इस कंपाउंड को कहेंगे आयनिक कंपाउंड. नेक्स्ट वी हैव टेस्ट योरसेल्फ रिगार्डिंग दिस टॉपिक, व्हिच इज व्हाई डज सोडियम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड विद क्लोरीन. तो क्लोरीन के साथ क्यों बनाएगा,
क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, इसके पास एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, जबकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल, एक नॉन मेटल है, इसके पास एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। दोनों इस तरीके से लूज और गेन करके अपने आप को नोबल गैस की जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अटेन करेंगे एंड दे विल बिकम स्टेबल। Why does sodium lose an electron and attains a plus one charge? क्योंकि इसके लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसी वजह से ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करके गेट्स अ पॉजिटिव वन चार्ज। हाउ डू एटम्स फॉलो ऑक्टेट रूल? सो इफ वी हैव थ्री रूल्स फॉर अटेनिंग द ऑक्टेट, विच इज बाय गिविंग वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स, बाय गेनिंग वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स एंड बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। विच इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन केमिकल बॉन्डिंग? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन केमिकल बॉन्डिंग। व्हाई डज ग्रुप 1 एलिमेंट्स प्रेफर टू कंबाइन विद ग्रुप 17 एलिमेंट्स? तो ये हमारे टॉपिक में स्टार्ट में ही ये हमने पढ़ लिया कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स मेटल्स हैं एंड ग्रुप 15 टू 17 आर नॉन मेटल्स। तो मेटल एंड नॉन मेटल कंबाइन एंड दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड। व्हाई क्लोरीन कैन एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन की जगह है, इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। So after completing its octet, it becomes stable. So you will write the answer of question number 1, 2, 4 and 6 on your notebook. The remaining ones are present on the topics. So that is all for today. Thank you and Allah Hafiz.